Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS. I hope you're all doing well. If PCS, HCS or HAS is your dream, agar aap state civil servant banna chahte hain, then we have brought to you a fresh batch for combined preparation of state civil services. Ye batch 10th of March se start ho chuka hai. Aap iska ek special feature avail kar sakte hain jiska naam hai 7 days free trial. Ye jo 7 day ka free trial hai, isme aapko live lectures milenge 7 days absolutely free of cost. Also, more than 250 lectures की access आपको मिल जाएगी और आप हमारी expert faculty के lectures को देख सकते हैं. उसके बाद आप हमारे batch में enroll कराइए. So, अपना 7-day free trial start कीजिए अभी by going on the link given in the description box. Now, let's talk about the series. The series is about international organizations. International organizations state civil services का एक favorite topic है. इसमें आज हम United Nations की बात करेंगे. So, let's start. यूनाइटेड नेशंस के बारे में आप सबको पता होगा, ठीक है. तो यूनाइटेड नेशंस के सबसे पहले हम बैकग्राउंड की बात करते हैं कि फॉर्मेशन कैसे हुई यूनाइटेड नेशंस की और कब हुई और क्यों हुई. तो यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन जो थी वो ईयर 1945 में हुई एज एन आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर टू. वर्ल्ड वॉर टू के बाद इतनी डेथ और डिस्ट्रक्शन हुई कि एक डिसीजन लिया गया कि एक न्यू बॉडी बनानी चाहिए जिस जो कि वर्ल्ड पीस को लेके आएगी, वर्ल्ड में एक सेंस ऑफ काम को लेके आएगी. सो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन हुई. इससे पहले एक और ऐसी बॉडी थी जिसका सिमिलर एम था टू ब्रिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी. वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी लाने का एम था एक पुरानी बॉडी का जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस. ये लीग ऑफ नेशंस कब बनी थी? लीग ऑफ नेशंस बनी थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद. तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स इन द ईयर 1919 लीग ऑफ नेशंस बनी थी, ठीक है. तो इसका भी यही एम था टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी. लेकिन क्या हुआ, उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू हो गई तो फिर लीग ऑफ नेशंस की जो प्रोमिनेंस थी वो खत्म हो गई क्योंकि उसका एम तो यही था कि वर्ल्ड वॉर को या किसी भी तरह की वॉर को प्रिवेंट करे, पर वो प्रिवेंट नहीं कर सकी इसलिए वो बंद हो गई और उसके बाद एक न्यू बॉडी बनी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस. तो यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मेशन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं अटलांटिक चार्टर के बारे में. अटलांटिक चार्टर क्या था? अटलांटिक चार्टर था 1941 में जब वर्ल्ड वॉर टू हो रही थी तब यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और यूके के प्रेसिडेंट मिस्टर विंस्टन चर्चिल, ये दोनों एक इन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग की न्यूफाउंडलैंड कनाडा में. वहाँ पर उस मीटिंग के बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज की जिसका नाम था अटलांटिक चार्टर. उस स्टेटमेंट में इन्होंने कुछ ऐसी नेशनल पॉलिसीज बताई और बताई कि ये वाली पॉलिसीज को हम अपनी अपनी कंट्रीज में फॉलो करेंगे, अब इस तरह की अपनी पॉलिसीज बनाएंगे इन लाइन विद दीज आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. तो वो जो पॉलिसीज थी वो वर्ल्ड पीस को प्रमोट करेंगी, ऑल्सो वो इंश्योर करेंगी ताकि जो फ्यूचर है दुनिया का और हमारी कंट्रीज का बेटर हो जाए क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में बहुत डेथ और डिस्ट्रक्शन हो रही थी. उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसे आइडियल्स डिसाइड करे और एक स्टेटमेंट रिलीज करी जिसका नाम था अटलांटिक चार्टर, ठीक है. ये स्टेटमेंट किस लिए थी? ताकि एक बेटर फ्यूचर हो सबके लिए. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 26 जून 1945 में 50 नेशंस मिली सैन फ्रांसिस्को में. ये 50 कंट्रीज ने मिलकर एक ट्रीटी को साइन करा. उस ट्रीटी का नाम था यूएन चार्टर. यूएन चार्टर क्या है? इसमें यूएन के आइडियल्स, फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्टिव्स, उसके एम्स, वो सब है, ठीक है. तो इस ट्रीटी को साइन किया जिसने यूएन की फॉर्मेशन की. 50 नेशंस सैन फ्रांसिस्को मिले 26 जून को. उसके बाद पोलैंड ने बाद में ज्वाइन किया, अक्टूबर में पोलैंड ने भी ज्वाइन कर लिया. तो इसलिए हम कहते हैं 51 नेशंस ने यूएन चार्टर को साइन किया था जब बना था यूएन. अब कितने मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के? अब हैं 193 मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस के, ठीक है. तो एक और बात है कि जो यूनाइटेड नेशंस है ये नाम किसने दिया? यूनाइटेड नेशंस का नाम यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ही दिया था, ठीक है. अटलांटिक चार्टर में भी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे और नेम कॉइन भी इन्होंने ही किया था. अब यूएन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिनमें यूएन का काम होता है वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं? वो 6 लैंग्वेजेस हैं, अरबिक, चाइनीज, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन एंड स्पैनिश. ये 6 लैंग्वेजेस हैं जिसमें यूनाइटेड नेशंस का काम होता है. अब हम इसके डिटेल्स में जाते हैं, थोड़े इसके कॉम्पोनेंट्स की बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के कॉम्पोनेंट्स क्या हैं, मेन ऑर्गन्स क्या हैं. तो हम देखते हैं कि इसके 6 मेन ऑर्गन्स हैं. ये हैं वो 6 जिनका नाम है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल या फिर इकोसॉक, सेक्रेटेरिएट और आईसीजे.
आईसीजे क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के परव्यू में ये सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज काम करती हैं यूएन की. ठीक है, अब हम एक एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक एक ऑर्गन को देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल असेंबली की. जनरल असेंबली क्या है? ये एक ऑल रिप्रेजेंटेटिव या यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन वाली बॉडी है यूएन की. इसमें सारे मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन मिलती है, सब मेंबर्स बैठते हैं और मेन जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस होते हैं ना यूनाइटेड नेशंस के, वो यहाँ बनते हैं, पॉलिसीज ड्राफ्ट की जाती हैं. ठीक है, अब जो इसके डिसीजंस हैं वो किस बेसिस पे लिए जाते हैं? जो जनरल असेंबली के डिसीजंस हैं वो सिंपल और स्पेशल मेजॉरिटी पे लिए जाते हैं. ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी पे नॉर्मल डिसीजंस को लिया जाता है. स्पेशल मेजॉरिटी वाले कौन से डिसीजंस हैं? ये वो डिसीजंस हैं जैसे कि बजटरी मैटर्स पे डिसीजंस जो होते हैं, या फिर वो डिसीजंस जिसमें होता है कि न्यू मेंबर्स को इंडक्ट करना है. इस तरह के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो स्पेशल मेजॉरिटी पे लिए जाते हैं, बाकी डिसीजंस सिंपल मेजॉरिटी पे. और यूएनजीए की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो वेस्टमिंस्टर हॉल लंदन में हुई थी. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू यूएनएससी. यूएनएससी की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से ही पता लग रहा है कि इसका एम क्या है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. ठीक है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए ये बना है. मेंबर्स कितने हैं इसके? 15 मेंबर्स हैं. इनका ब्रेकअप क्या है? 5 जो है परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं. 5 परमानेंट मेंबर्स को हम P5 कहते हैं. यूएस, यूके, चाइना, रशिया, फ्रांस, ये 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं. ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और कंट्रीज लाइक इंडिया एंड सो मेनी अदर नेशंस ये चाहते हैं कि हम भी परमानेंट मेंबर बन जाएं. बाकी कंट्रीज क्यों चाहती हैं परमानेंट मेंबरशिप? क्योंकि परमानेंट मेंबर्स की एक स्पेशल पावर होती है जिसका नाम है वीटो पावर. वीटो पावर का मतलब क्या है कि इनके पास एक राइट है, राइट टू रिजेक्ट एनी डिसीजन बाय यूएनएससी. ये यूएनएससी के किसी भी डिसीजन को रिजेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर वीटो पावर. तो अगर एक भी मेंबर ने यूएनएससी के किसी डिसीजन को कह दिया कि ये नहीं होगा, तो वो डिसीजन नहीं होगा क्योंकि एक परमानेंट मेंबर ने कह दिया है, वीटो पावर वाले मेंबर ने कह दिया. ठीक है, तो राइट टू रिजेक्ट है इनके पास. इसलिए बाकी नेशंस भी चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं यूएनएससी में कि वो अगर परमानेंट मेंबर हो तो उनके पास वीटो पावर आ जाएगी. ठीक है, इंडिया जो है फिलहाल अभी नॉन परमानेंट मेंबर में इंडिया का टर्म स्टार्ट हो रखा है और ये 8th टर्म है. दिस इज द 8th टाइम इंडिया हैज बीन अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी. ठीक है, और ये जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप स्टेटस है ये 2 years की टर्म होती है, 2 year बाद चेंज हो जाती है कंट्रीज. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब आते हैं इकोसोक और ट्रस्टरशिप काउंसिल पे. तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का क्या काम है? ये कोऑर्डिनेट करता है, ओवरसी करता है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और अदर फंक्शंस ऑफ द यूएन को. ठीक है, तो जो वर्किंग ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उनकी कोऑर्डिनेशन करता है इकोसोक. और इकोसोक क्या करता है? ये एक अपना एनुअल थीम डिसाइड कर लेता है. एवरी ईयर एनुअली इसका एक थीम डिसाइड होता है, उस थीम के ऊपर ये फोकस्ड अप्रोच में, फोकस्ड वे में काम करता है. ठीक है, और इसकी मेंबरशिप का स्टेटस क्या है? 54 मेंबर्स हैं इकोसॉक के जिनकी 3 year टर्म है. और इंडिया भी अभी फ्रॉम 1st जनवरी 2022 इकोसॉक का मेंबर बना है. इकोसॉक की 3 year टर्म्स ने स्टार्ट, 2 year टर्म्स ने स्टार्ट की है. ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल. तो इकोसॉक की मेंबरशिप हमने बात की कि 3 year टर्म होती है. इंडिया की मेंबरशिप 1st जनवरी 2022 में स्टार्ट हुई थी और 24 तक चलेगी. ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल की. ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है? ट्रस्ट टेरिटरीज की बात करता है. ट्रस्ट टेरिटरीज क्या होती हैं? ट्रस्ट टेरिटरीज वो टेरिटरीज हैं जो कि नॉन सेल्फ गवर्निंग है. ये वो टेरिटरीज हैं जो कि खुद अपने आप को गवर्न नहीं कर सकती थी. अब फिलहाल ऐसी कोई टेरिटरी नहीं है, लेकिन 1994 तक थी. तो 1994 तक ट्रस्टीशिप काउंसिल ने काम किया. आफ्टर पलाउ गॉट इंडिपेंडेंस उसके बाद इसका काम बंद हो गया और ट्रस्टीशिप काउंसिल ने कहा कि जब भी इन फ्यूचर कोई ऐसी ओकेजन आएगी, कोई नीड अराइज होएगी, कोई ऐसी टेरिटरी होगी, तो ये दोबारा अपनी मीटिंग्स को रिज्यूम कर लेगा. ठीक है, तो ट्रस्ट टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? ट्रस्ट टेरिटरीज बेसिकली लीग ऑफ नेशंस मैंडेट था एक. ठीक है, लीग ऑफ नेशंस के बारे में हमने किया.
लीग ऑफ नेशन मैंडेट के अंदर ना लीग ऑफ नेशंस के नाम पे कुछ कंट्रीज किसी और कंट्रीज को गवर्न कर रही थी, ठीक है, पर अंडर द नेम ऑफ लीग ऑफ नेशंस। उसके बाद क्या हुआ कि लीग ऑफ नेशंस तो हो गया बंद, उसके बाद ये सब टेरिटरीज शिफ्ट हो गई यूनाइटेड नेशंस में। तो यूनाइटेड नेशंस ने एक आर्म बनाई जिसका नाम था ट्रस्टीशिप काउंसिल, उन टेरिटरीज की देखरेख के लिए। और अब ऐसी कोई टेरिटरी नहीं है तो इसकी कोई मीटिंग नहीं होती है। हमने ये जितने भी ऑर्गन्स अब तक किए, ये 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 ये, इन सब के हेडक्वार्टर्स जो हैं वो न्यूयॉर्क में है। सिर्फ आईसीजे का हेडक्वार्टर जो है हेग में है, नीदरलैंड्स में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड आईसीजे और सेक्रेटेरिएट पे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार दोबारा अपने 7 day फ्री ट्रायल की बात कर लेते हैं। अगर आपने अब तक अपना 7 day फ्री ट्रायल स्टार्ट नहीं किया है तो लिंक पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पे जाके अपने आप को रजिस्टर कीजिए और 7 day फ्री ट्रायल को स्टार्ट करें। उसमें आपको मोर देन 250 लेक्चर्स की एक्सेस मिलेगी और 7 दिन तक आप हमारे लाइव लेक्चर्स भी देख सकते हैं, ओके? अब हम बात करते हैं आईसीजे और सेक्रेटेरिएट की। तो आईसीजे के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? हेग पीस पैलेस में। ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या हैं, वो कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिसमें आईसीजे का काम चलता है? आईसीजे का काम होता है इंग्लिश और फ्रेंच में। आईसीजे है क्या? ये मेन जुडिशियल आर्म है यूनाइटेड नेशंस की। इसमें नेशन स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कि कंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर कोई कंट्रीज का कोई डिस्प्यूट है तो आईसीजे उनको रिजॉल्व करता है। और इसके 15 जजेस हैं जिनकी टर्म होती है 9 years, और 1/3 ऑफ दीज जजेस आर इलेक्टेड एवरी 3 years, ठीक है। अब इन जजेस का री इलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और ये जजेस को जो इलेक्शन है वो किस टर्म पर होता है? ये जजेस को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल दोनों की एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है टू बी इलेक्टेड। तो जिन जजेस के पास दोनों की एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है उनका इलेक्शन हो जाता है, राइट? अब हम बात करते हैं सेक्रेटेरिएट की। सेक्रेटेरिएट क्या है? ये जुडिशियल आर्म थी, ये एग्जीक्यूटिव आर्म है। एग्जीक्यूटिव मतलब वो पॉलिसीज जो UNGA ने बनाई उनको इम्प्लीमेंट भी तो करना है, तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक आर्म बनी है, एक बॉडी बनी है जिसका नाम है सेक्रेटेरिएट। और सेक्रेटेरिएट का लीडर या हेड कौन होता है? सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल जिसकी टर्म होती है 5 years, वो हेड करता है सेक्रेटेरिएट को, ठीक है। अब अभी इसका लीडर या इसके सेक्शन सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो ग्यूटरेस, ये इसके हेड है। और ये अपनी सेकेंड टर्म स्टार्ट की है इन्होंने अभी, और 2017 से ये इसके सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। ये पोर्चुगल के डिप्लोमैट है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं आईसीसी की। आईसीसी क्या है? आईसीसी है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसमें क्रिमिनल्स को ट्राई किया जाता है, इंडिविजुअल्स को भी ट्राई किया जा सकता है। क्रिमिनल्स को तो हर को ट्राई करता है, राइट? इंडिविजुअल्स को भी ट्राई किया जा सकता है। तो इट इज़ नॉट लाइक नेशन स्टेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। इसकी रिप्रेजेंटेशन इंडिविजुअली भी हो सकती है, इंडिविजुअल को भी रिप्रेजेंट या ट्राई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आईसीसी की फॉर्मेशन किस में हुई? रोम स्टैट्यूट के अंडर आईसीसी की फॉर्मेशन हुई। रोम स्टैट्यूट क्या है? ये एक ट्रीटी थी जो कि 2002 में नेशंस ने साइन की थी टू मेक अप दिस बॉडी जिसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसके भी हेडक्वार्टर्स हेग में है, आईसीजे के जैसे हैं वहाँ, ठीक है। अब किस तरह के केसेस डील करता है रोम स्टैट्यूट या फिर आईसीसी? रोम स्टैट्यूट या आईसीसी में 4 तरह के केसेस होते हैं बेसिकली, ठीक है। वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जीनोसाइड या क्राइम्स ऑफ अग्रेशन, ये 4 तरह के जो क्राइम्स हैं उनको डील करता है ये मेनली, ठीक है। अब इसकी वर्किंग लैंग्वेजेस क्या है? इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच में इसका काम होता है, लेकिन इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस सेम 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो हमने UN में की थी, ठीक है। आपको याद होगा वो कौन सी है, थिंक अबाउट इट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जो रोम स्टैट्यूट है ये, इस ट्रीटी को सब नेशंस ने साइन नहीं किया है, इंडिया बीइंग वन ऑफ देम। इंडिया, US, चाइना, ये मेजर नेशंस हैं जिन्होंने रोम स्टैट्यूट को रेटिफाई नहीं किया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। हमने कहा था कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं वो इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बर्वियों में काम करती हैं। ये सब स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं UN की। हम इनके बारे में जितनी डिटेल रिक्वायर्ड है उतनी करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये मेनली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सबका आपको नाम, इनकी वर्किंग इनके नाम से ही पता लग जाएगी। जैसे WHO, इसके नाम से ही पता लग जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या होगा? हेल्थ प्रमोट करना, हंगर रिड्यूस करना, पॉवर्टी रिड्यूस करना, ऐसी बातें, राइट? WIPO क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है?
या IPRs, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो होती है जो कि किसी की इनोवेशन होती है, किसी की क्रिएशन होती है, ठीक है, उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं. किसी ने अपनी इनोवेशन की, खुद अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाती है. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, जैसे कि कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, ये सारे मैकेनिज्म्स हैं टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ पीपल. तो WIPO काम करती है ताकि एक बैलेंस बना रहे कि लोगों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी वायलेट ना हो और ऐसा भी ना हो कि इंपॉर्टेंट चीज़ों की एक्सेस जनरल पब्लिक को नहीं मिल रही. तो उसमें एक बैलेंस अचीव करने का काम करती है WIPO. ठीक है, हम आगे करेंगे इन डिटेल. फॉर नाउ लेट्स एंड दिस एंड लेट्स डू सम MCQs. MCQs हम देखते हैं कि कितनी रिटेंशन हुई है, कितनी बात समझ में आई है और कितना याद रहा है, राइट? तो अब MCQs की बात करते हैं हम. ओह राइट. तो सबसे पहले UN चार्टर इंक्लूड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ UN. क्या UN चार्टर में UN के ऑब्जेक्टिव्स हैं? कंट्रीज हैव टू फॉलो सर्टन स्पेसिफिक ट्रेड रिक्वायरमेंट्स टू गेट UNGA मेंबरशिप. क्या कंट्रीज को कुछ स्पेसिफिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ता है UNGA की मेंबरशिप लेने के लिए? सबसे पहले हमने किया था कि UNGA की जो मेंबरशिप, UNGA जो बॉडी है वो ऑल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है. इसकी मेंबरशिप लेने के लिए एज सच कंट्री को पर्टिकुलरली इसकी मेंबरशिप के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, राइट? आगे UN चार्टर वो ट्रीटी थी जिससे UN बना. क्या उसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ UN है? ऑफकोर्स उसमें होंगे, राइट? तो बोथ दी स्टेटमेंट्स बिकम ओके. नो, दिस इज रॉन्ग. द फर्स्ट स्टेटमेंट बिकम्स करेक्ट. ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि ये गलत थी. आगे चलते हैं. आगे है कि ICC इज द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN. क्या ICC UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है? अभी हमने किया कि ICC और ICC, ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का क्वेश्चन सिर्फ तभी गलत होगा अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा. ICC है, ICJ नहीं पढ़ना, दैट्स इट. ठीक है, क्या ICC स्पेशलाइज एजेंसी है UN की? नहीं, क्योंकि ICC जो था वो रोम स्टैट्यूट के अंडर बना है. रोम स्टैट्यूट 2002 में साइन किया गया. ओके, ऑल कंट्रीज मेंबर ऑफ UN बिकम मेंबर्स ऑफ ICC. तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट तो अपने आप गलत हो जाती है. तो नन ऑफ देम इज करेक्ट. आगे, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ ECOSOC या UNGA मीटिंग्स आर यूजुअली हेल्ड एवरी ईयर इन न्यूयॉर्क. तो क्या इंडिया ECOSOC का मेंबर है? हमने किया था यस, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ECOSOC. इंडिया ने अभी 1 जनवरी 2022 को अपनी टर्म स्टार्ट की है और 24 तक वो रहेगा. UNGA मीटिंग्स जो है वो न्यूयॉर्क में होती हैं यूजुअली. हाँ, फर्स्ट मीटिंग हमने की थी वेस्टमिंस्टर हॉल लंदन में होती है, और यूजुअली ये जो मीटिंग्स हैं ये न्यूयॉर्क में होती हैं क्योंकि इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में ही हैं, राइट? तो इसका आंसर क्या बना? इसका आंसर बना दिस बिकम्स रॉन्ग एंड दिस बिकम्स राइट. तो आंसर बिकम्स बी. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, लीग ऑफ नेशंस वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1919 एज अ पार्ट ऑफ किस ट्रीटी का पार्ट था लीग ऑफ नेशंस? ट्रीटी ऑफ पैरिस, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ट्रीटी ऑफ न्यू दिल्ली या फिर ट्रीटी ऑफ ट्रायनन? तो ट्रीटी ऑफ पैरिस का पार्ट था ये, राइट? सॉरी, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स का पार्ट था ये. और ट्रीटी ऑफ पैरिस क्या थी? ट्रीटी ऑफ पैरिस थी अमेरिकन स्पैनिश वॉर के बाद जो ट्रीटी साइन की गई इन द ईयर 1898, उसको ट्रीटी ऑफ पैरिस कहते हैं. ट्रीटी ऑफ न्यू दिल्ली क्या थी? ये भी वर्ल्ड वॉर टू के बाद साइन की गई थी अलाइड पावर्स और हंगरी के बीच में. और ट्रीटी ऑफ ट्रायनन क्या थी? सॉरी, अलाइड पावर्स और बल्गेरिया के बीच में न्यू दिल्ली. और ट्रीटी ऑफ ट्रायनन थी अलाइड पावर्स और हंगरी के बीच में. ठीक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री की बातें हैं, बाकी इन सब ट्रीटीज के बारे में मैंने आपको ऐसे ही बता दिया. ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स लीग ऑफ नेशंस इसके अंडर बना है, ये आपको पता होना जरूरी है. ठीक है, नाउ अब एक बार दोबारा आपने स्टेट सिविल सर्विसेज के बैच के बारे में मैं आपको बता दूं. ये हमारा बैच 10th ऑफ मार्च से स्टार्ट हो चुका है. इसमें एक स्पेशल फीचर है 7-day फ्री ट्रायल का. आप लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाके अपना 7-day फ्री ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं. इसमें आपको 7 days एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव लेक्चर्स मिलेंगे. मोर देन 250 लेक्चर्स की आपको एक्सेस हो जाएगी और हमारे एक्सपर्ट्स के मेंटरशिप लेक्चर्स और बाकी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे. तो आप अगर स्टेट सिविल सर्विसेज की सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप स्टेट सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो अपना 7-day फ्री ट्रायल स्टार्ट करें और उसके बाद हमारे बैच में इनरोल कराएं. ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो लाइक टू आवर चैनल अभिमन्यु IAS एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. थैंक यू.